वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नम कुरुम देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर काय करोड़ों सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरा करने की कृपा करें। 31 अगस्त 2022 को गणेश चतुर्थी से गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 10 दिनों तक बड़े ही धूमधाम के साथ गणपति उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान घर घर बप्पा की मूर्ति स्थापित की जाती है और चारों गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे सुनाई पड़ते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ गणेश चतुर्थी पर लोग बप्पा को घर लाते हैं। इसके साथ ही सुबह शाम भक्ति भाव से गौरी पुत्र गणेश जी के मनपसंद फल मिठाई का भोग लगाया जाता है और उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। वहीं कुछ लोग गणेश चतुर्थी के दिन ही या फिर डेढ़ दिन, 3, 5 या 7 दिन में गणपति जी का विधिवत विसर्जन करते हैं। एक दंताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः प्रपन्न जनपालाय प्रणतार्थ विनाशिने। अर्थात जिनके एक दांत और सुंदर मुख है, जो शरणागत भक्त जनों के रक्षक तथा प्रणत जनों के पीड़ा का नाश करने वाले हैं, उन शुद्ध स्वरूप आप गणपति को बारंबार नमस्कार है। जैसा कि ऊपर के श्लोक में लिखा हुआ है, एक दंताय अर्थात एक दांत वाले। तो क्या आप जानते हैं गणपति का एक दांत क्यों टूटा हुआ है? आखिर कैसे वो एक दंत कहलाए? किसने तोड़ा उनका दांत? इन सभी सवालों के जवाब के लिए एक कथा है, जिसके सुनने मात्र से कल्याण की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं क्या है वो रोचक कथा। भविष्य पुराण के मुताबिक एक बार महादेव के परम भक्त परशुराम उनसे भेंट करने कैलाश पहुंचे। उस दौरान भोलेनाथ तपस्या में लीन थे, तो भगवान गणेश ने परशुराम जी को शिव जी से मिलने के लिए रोक दिया। इससे परशुराम जी क्रोधित हो उठे। इसके बाद गणेश जी और परशुराम जी में युद्ध शुरू हो गया। इसी दौरान परशुराम जी के फरसे के प्रहार से गणेश जी का एक दांत टूट गया। गणेश जी दर्द से कराह उठे। गणपति की पीड़ा देखकर मां पार्वती परशुराम जी पर क्रोधित हो गई। बाद में ऋषि परशुराम ने देवी पार्वती से क्षमा याचना की और बप्पा को अपना तेज बल और ज्ञान प्रदान किया। धार्मिक मान्यता ये भी है कि भगवान गणेश ने अपने इसी टूटे दांत से महर्षि वेद व्यास से उच्चारित महाभारत लिखी थी। कहा जाता है कि गणपति की पूजा करते समय उन्हें गीला अक्षत अर्पित करना चाहिए। दांत टूट जाने की वजह से गीला चावल ग्रहण करना गणपति के लिए आसान होता है।